झुंझुनू जिले में झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले बच्चों को मुख्य धारा की शिक्षा में जोड़ने का प्रयास कर रही हैं सुमन चौधरी। पिछले 5 साल से झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले बच्चों को एकत्रित करके पढ़ा रही हैं सुमन चौधरी। सुमन चौधरी ने बताया कि एक बार वह उनकी बस्ती में कुछ सामान देने के लिए आई थी, तब उन्होंने देखा कि वह सामान वो बच्चे उनके हाथ से छीन के ले गए। बहुत से बच्चे थे जो उनमें से भीख मांगते उन्हें नजर आए और कुछ बच्चे थे जो कचरा बीनते हुए दिखे। उस दिन उन्होंने यह ठाना कि वह उन्हें इन बच्चों को मुख्य धारा की शिक्षा से जोड़ेंगी और प्रयास करेंगी इन बच्चों का जीवन बदलने का। सुमन चौधरी ने बताया कि इनके माता पिता हैं, वह दिन में मजदूरी पे चले जाते हैं और ये बच्चे घर पे रहते हैं, तो कुछ बच्चे तो है जो रेलवे लाइन फाटक के पास जाके भीख मांगते हैं और कुछ बच्चे कचरा बीन के थोड़े बहुत पैसे कमा के और अनैतिक गतिविधियों के साथ में जुड़ रहे थे। जिन्हें जिनके हाथों में किताब थामने का काम है वो सुमन चौधरी के द्वारा किया गया। सबसे बड़ी परेशानी सुमन चौधरी के सामने तब आई कि इन बच्चों को आखिर पढ़ाई कहाँ। रिक्को में झुग्गी झोपड़ियों के पास रहने वाले बच्चों को एक टूटा फूटा कमरा था, उसमें उन्होंने यहाँ पे पढ़ाना शुरू किया और उसके बाद में अच्छा खासा सहयोग है जो झुंझुनू वासियों का रहा, उनके सहयोग से उन्होंने उसमें बोर्ड वगैरह बनवाए, उसकी थोड़ी बहुत मरम्मत करवाई, टिन सेट वगैरह लगा के आज कुर्सियों पे बैठ के उन बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। इसी की बदौलत है कि उनके 35 बच्चे हैं आज सरकारी स्कूलों में अपना नामांकन करवा चुके हैं। सुमन चौधरी बच्चों को शिक्षा के साथ में ही बेसहारा पशुओं के लिए भी मददगार का काम कर रही हैं। वह बेसहारा गायों को, बेसहारा जो गली में घूमने वाले आवारा कुत्ते हैं उनको भी इलाज देती हैं, साथ में ही झुग्गी झोंपड़ी में जो भी कोई गाय भैंस बकरी रखता है अगर उनकी कोई समस्या होती है तो उन्हें भी वह मुफ्त में इलाज देती हैं। जी मैम, कब से आप यहाँ पे पढ़ा रहे हो? सर मैं 5 साल से पढ़ा रही हूँ यहाँ पे। मेरा लक्ष्य यही है कि जो बच्चे हैं ये इनके मम्मी पापा मजदूरी पे चले जाते हैं, पीछे से भीख मांगते हैं और कचरा उठाने जाते हैं, तो मेरा लक्ष्य ये इनको बच्चों को शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा मैं दूँ और फिर इनको सरकारी स्कूलों में इनको शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ना। कहाँ से ये शुरुआत की कि मेरे को इन बच्चों को ऐसे पढ़ाना चाहिए? सर ये मैं एक बार कुछ प्रोग्राम था तो मिठाई लेके आई थी, तो ये बच्चे मेरे हाथों से छीन के भागे, तब मैंने ये सोचा कि इन बच्चों को कुछ ऐसी इतनी शिक्षा दे कि कम से कम कोई आए या बड़े छोटे का सम्मान करे और आराम से अच्छा व्यवहार करे सबके साथ। और अभी जो कितने बच्चे आपके पास पढ़ रहे हैं? अभी मेरे पास 30 बच्चे हैं, शुरुआत में मेरे पास 65 बच्चे थे, 35 बच्चे मेरे सरकारी स्कूल में जाने लगे हैं अभी। तो क्या उद्देश्य क्या है आपका? क्या इनका यही है, इनको शिक्षित करना, इनको शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ के इनको 10th 12th कम से कम 10th 12th करके ये अगर जॉब भी ना मिले तो अपना खुद का अच्छा धंधा कर सके। इनके माता पिता क्या करते हैं? इनके माता पिता मजदूरी पे जाते हैं।